बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चे अब ऑनलाइन और दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ेंगे ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास चलेगी। इधर बिहार पंचायत चुनाव को फिलहाल टाल दिया गया है। कोरोना के मामले को देखते हुए बिहार पंचायत चुनाव फिलहाल टाल दिए गए हैं। 15 दिनों के बाद समीक्षा के बाद फिर आगे की निर्णय लिया जाएगा। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए यह फैसला राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा लिया गया है। बिहार में 18 वर्ष के ऊपर के युवाओं को मुफ्त में टीका दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा ऐलान है कि 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं को भी मुफ्त में कोरोना टीका दिया जाएगा। जैसा कि पहले आया था कि पैसा लगेगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों पर इस पर क्लियर कर दिया है कि उन्हें भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री में दिया जाएगा। कोवैक्सीन जान का जोखिम घटाने में 100% असरदार। टीका लगने के बाद सिर्फ 0.04% को कोरोना संक्रमण, केंद्र का यह बयान है। नासिक में ऑक्सीजन की कमी से 22 मरीजों की मौत। राज्य की आबादी के 0.01% लोग एक दिन में संक्रमित। बिहार में नए मरीज 12,222। पटना समेत 7 जिलों में 500 से ज़्यादा मरीज। नई के मुकाबले पुरानी कारों की बिक्री में बढ़ोतरी। भारत में दूसरी लहर अमेरिका से 3 गुना तेज। अमेरिका से 3 गुना तेज भारत में कोरोना की दूसरी लहर बताया जा रहा है। बिहार में नल जल निकायों को गजेटियर अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पर तैयार होगा। सूबे में संपत्ति स्वामित्व योजना होगी शुरू। विधान परिषद के पूर्व सदस्य प्रेम नारायण गढ़वाल का हुआ निधन। कुशल राजनेता थे प्रेम नारायण नीतीश कुमार। बिहार को कोटा के तहत मिलेगी रेमडेसिविर दवा। 31 अनुमंडलों में 33 आइसोलेशन सेंटर शुरू। सभी जिलों के 5-5 डॉक्टरों को किया जाएगा प्रशिक्षण। 101 अनुमंडलों में बनेंगे क्वारंटाइन सेंटर। श्रमिकों को आयुष्मान से जोड़ने को दिया गया 110 करोड़ प्रीमियर। कुशवाहा ने कहा, जायसवाल जी यह राजनीतिक समय नहीं है। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें, और हम आपको आप इस समय देख रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। इस समय की सबसे बड़ी खबर कह सकते हैं कि बिहार पंचायत चुनाव को फिलहाल टाल दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है और सरकार को अनुशंसा भी भेज दी है और कहा है कि अगर 15 दिनों के बाद समीक्षा की जाएगी, अगर स्थिति सामान्य रही तो चुनाव की तिथियों का घोषणा किया जाएगा। इधर पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही थी, प्रशिक्षण का तिथि भी निर्धारित कर दिया गया था, लेकिन तमाम प्रशिक्षण को रद्द कर दिया गया है। प्रशिक्षण समीक्षा के बाद ही दिया जाएगा और तिथियों का भी निर्धारण हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा था कि केंद्र और राज्य निर्वाचन आयोग की भी सहमति बनने के बाद ईवीएम से ही चुनाव होने की तैयारी थी और इस माह के अंत तक यानी अप्रैल माह के अंत तक अधिसूचना जारी होने की भी प्लानिंग थी, लेकिन प्लानिंग पर पानी फिर गया। कोरोना के बढ़ते मामले बिहार में देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया कि फिलहाल पंचायत चुनाव को टाल दिया गया और 15 दिनों के बाद इस पर समीक्षा किया जाएगा। अब इधर बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चे ऑनलाइन क्लास करेंगे, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से करेंगे और कैचअप कोर्स की भी तैयारी कराने की बात की जा रही है। तो फिलहाल सरकार शिक्षा को बचाने के लिए बच्चे पढ़ते रहे, इसको लेकर भी बिहार सरकार के द्वारा तैयारियां की जा रही है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन कितना सक्सेसफुल है या क्लासरूम में कितना बेहतर पढ़ाई हो पाता है, तो फिर भी ना में हाँ ये तो करना ही पड़ता है। देखिए, एक बिहार के मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान आया है, जो पहले कहा जा रहा था कि अब पैसे लेकर वैक्सीन दिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि बिहार में 18 वर्ष के ऊपर के युवाओं को भी मुफ्त में टीका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि 18 वर्ष और उसके ऊपर के सभी बिहारवासियों को कोरोना टीकाकरण राज्य सरकार मुफ्त कराएगी। उन्होंने बुधवार को स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मालूम हो कि 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों के टीकाकरण का फैसला केंद्र ने किया है। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि 18 वर्ष से ऊपर को टीका तो राज्य सरकारें लगवाएगी या फिर निजी अस्पतालों में लगाने होंगे। इसी के अंतर्गत सीएम ने घोषणा की है, राज्य सरकार अपने
संसाधन से इसका टीकाकरण कराए कि मालूम हो कि बिहार में पूर्व से भी 45 वर्ष से ऊपर वालों को मुफ्त में टीका दिया जा रहा है। तो इस तरह से बिहार में यह बड़ी घोषणा है। पॉजिटिव मरीजों की जांच रिपोर्ट के तुरंत बाद मेडिकल किट। स्वास्थ्य विभाग ने अपने गत 17 अप्रैल के कोविड इलाज के प्रोटोकॉल में संशोधन किया है। प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने नए प्रोटोकॉल के तहत बुधवार को निर्देश दिया है। निर्देश में कहा है कि राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर सभी स्वास्थ्य संस्थानों में कोरोना जांच केंद्रों पर मेडिकल किट रखी जाएगी। होम आइसोलेशन में रहने वाले सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को जाँच रिपोर्ट के तुरंत बाद मेडिकल किट दी जाएगी। तो यह बेहतर है कि होम आइसोलेशन में जाने वाले को भी वह मेडिकल किट मिलता है तो काफ़ी बेहतर होगा। इधर देखिए, कोवैक्सीन जान का जोखिम घटाने में 100% असरदार है। कोवैक्सीन का निर्माण करने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों के आधार पर दावा किया है कि यह टीका कोरोना के खिलाफ 78% कारगर है। उसका दावा है कि यह बीमारी की भयावहता को 100% कम करता है। कंपनी की तरफ से बुधवार को जारी बयान में तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों के आधार पर दूसरा अंतरिम विश्लेषण जारी करते हुए कहा है कि कोवैक्सीन कोरोना की हल्की मध्यम और गंभीर बीमारी के खिलाफ 78% असरदार है। यह नतीजा 127 लक्षणों वाले मरीजों से एकत्र किया गया है जिन्होंने टीका लगवाया था। बयान में कहा गया कि टीका कोरोना के खिलाफ 100% कारगर है। इसका मतलब है कि टीका लेने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर कोरोना का संक्रमण होता भी है तो वह गंभीर नहीं होगा तथा अस्पताल में भर्ती करने जैसी नौबत नहीं आएगी। इसी प्रकार बिना लक्षण वाले कोरोना बीमारी के प्रसार को यह 70% तक कम करता है। भगवान करे कि ऐसा ही हो कि टीका लगने के बाद कोरोना का असर नहीं हो। हम तमाम लोग इसके लिए प्रार्थना भी करते हैं कि बिहार ही क्या, पूरे भारत से, पूरी दुनिया से कोरोना की खात्मा हो जाए। इधर देखिए, स्थिति काफ़ी गंभीर है देश में। नासिक में ऑक्सीजन की कमी से 22 मरीजों की मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है। जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने से भयावह हादसा यह घटी है। इधर उच्च हिमालयी क्षेत्र में हिमपात हुआ है। टीका लगने के बाद सिर्फ 0.04% को कोरोना संक्रमण केंद्र का मानना यह है। इधर राज्य की आबादी के 0.01% लोग एक दिन में संक्रमित हो रहे हैं। बिहार में बीते दिन 12,222 लोग संक्रमित हुए हैं। राज्य की तकरीबन 12 करोड़ की आबादी का 0.01% नए कोरोना संक्रमितों की पहचान बुधवार को हुई। दरअसल पूरे राज्य में बुधवार को 12,222 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में एक दिन में कुल 105,980 सैंपल की जांच की गई थी। राज्य में एक दिन पूर्व राज्य में मंगलवार को 10,455 नए संक्रमित मिले थे। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि 14.45% की दर हुई है, जबकि संक्रमण दर 11.53% दर्ज की गई है। तो इस तरह से बिहार में कोरोना का मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल में मतदान आज है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए छठे चरण के चुनाव में गुरुवार को 43 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। यह 1 करोड़ से अधिक मतदाता 306 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ चुनाव, कैसा ये सोच है। नई मुकाबले पुरानी कारों की बिक्री बढ़ोतरी। इधर देखिए, भारत में दूसरी लहर अमेरिका से 3 गुना तेज है। अमेरिका में रोज 2 लाख केस से 3 लाख पहुंचने वाले 38 दिन लगे तो भारत में महज 1 सप्ताह 3 लाख तक पहुंचने में 38 दिन लगे थे। 2 लाख केस में 3 लाख तक पहुंचने में 38 दिन लगे थे, लेकिन भारत में महज 1 सप्ताह ही लगे इतना बढ़ने में। तो इसके आधार पर कहा जा रहा है कि इसकी रफ्तार भारत में 3 गुना काफ़ी तेज है। भगवान सहायता करे लोगों को, कोरोना की खात्मा हो। इधर सूबे में संपत्ति स्वामित्व योजना होगी शुरू। गाँव में सर्वे के बाद लोगों को मिलेगी प्रॉपर्टी कार्ड। सूबे में सीएम समेत अन्य मंत्री भी कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। 24 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इसकी शुरुआत। बिहार के जल निकायों का गजेटियर अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पर तैयार होगा। गजेटियर तैयार होने पर प्रकाशन के पहले रक्षा मंत्रालय से लेनी होगी मंजूरी। बिहार को कोटा के तहत मिलेगी रेमडेसिविर दवा। 31 अनुमंडलों में 33 आइसोलेशन सेंटर शुरू। 2297 बेड उपलब्ध हैं आइसोलेशन सेंटरों में।
पुलिस कर्मियों में दिखा लक्षण तो मिलेगी छुट्टी, अगर पुलिस कर्मियों में अगर लक्षण कोरोना के दिखते हैं तो उन्हें छुट्टी मिलेगा। 101 अनुमंडलों में बनेंगे क्वारंटाइन सेंटर। सरकार भी लगातार क्वारंटाइन सेंटर और अन्य चीज़ों पर काम कर रही है, कोरोना की रफ्तार कम करने में सरकार लगी हुई है, लेकिन यह रफ्तार आम लोगों से ही रुक सकती है, टूट सकती है कोरोना का चेन। जब तक हम लोग घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, मास्क लगा कर निकलेंगे, 2 गज की दूरी बना कर रखेंगे, तो निश्चित तौर पर कोरोना का यह बढ़ता चेन टूटेगा, हम लोग राहत महसूस कर पाएंगे। तो फिलहाल सरकार को साथ दीजिए, कोरोना की खात्मा कीजिए, सावधान रहिए, डरिए नहीं बल्कि सावधान रहने की ज़रूरत है, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं और हम जीत सकते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मगर संवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।